हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग दोनों होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पुरानी डीवीडी और सीडी जिसमें विंडोज़ आती थी उनको आप यूज़ में लेके आईओ से इमेज बना के उनसे कैसे बूटेबल पेनड्राइव बना पाएंगे, वो भी बड़ी आसानी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वो सीडी या डीवीडी अटैच कीजिए जिसमें आपकी विंडोज है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी डीवीडी है। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यह विंडो 10 की डीवीडी है। मैं इन सभी फाइल्स को कॉपी कर लेता हूं और इसे एक फोल्डर में पेस्ट कर लूंगा मैं। उसके बाद मैं गूगल क्रोम में जाऊंगा और उसकी सर्चिंग बार में लिखूंगा www.technictechnicic.xyz। उसके बाद एंटर करूंगा, फिर उसकी सर्चिंग बार में लिखूंगा मेक बूटेबल पेन ड्राइव और एंटर करूंगा। तो आपके सामने ये आएगा, इसे ओपन कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे आइए तो आप यहाँ पे देखेंगे विन अचीवर और पावर आईएसओ। तो हमें पहले विन अचीवर की जरूरत है, तो हम पहले इसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड हियर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डाउनलोड नाउ, और आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 64 बिट या 32 बिट आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे डबल क्लिक करके रन करता हूँ, उसके बाद आई एग्री इंस्टॉल, उसके बाद नेक्स्ट। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जहाँ हमने उन फाइल्स को पेस्ट किया था हम वहाँ जाएंगे, जैसे मैंने इस फोल्डर में किया था। मैं इन सभी फाइल्स को सेलेक्ट करूँगा और इस पर राइट क्लिक करूँगा, विन आर्काइवर पर जाऊँगा और इसे ऐड टू आरक्यू करूंगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पर क्लिक करें और यहाँ आईओसो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं आपकी आईओसो इमेज बनना शुरू हो चुकी है। तो इसे कंप्लीट होने दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आईओसो इमेज बन चुकी है। अब हम इसकी बूटेबल पेनड्राइव बनाएंगे। तो आप यहाँ से पावर आईओसो को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए और इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ टूल्स पे आना है और क्रिएट बूटेबल यूएसबी पर क्लिक करना है। ओके कीजिए, वापस आपके सामने ओपन होगा। आप कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पेन ड्राइव अटैच कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने 32 GB की पेन ड्राइव अटैच की है। अब मैं यहाँ से आईओसो इमेज को सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने बनाई थी और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरी बूटेबल पेन ड्राइव बनना भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर में रखी हुई पुरानी डीवीडी या सीडी जिसमें विंडोज़ है उनको ऐसे बूटेबल बना सकते हैं, उनके आईओसो इमेज बना के रख सकते हैं। भविष्य में आपके वो बहुत काम आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।